ईजी नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है और अपन आज पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट किया था, अब ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर अपन पढ़ रहे हैं ईसीटी को कंटिन्यू करें, इलेक्ट्रोकन्वोल्यू थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वोल्यू थेरेपी क्या होती है? पहले फॉर्म ऑफ थेरेपी होती है, मैकेनिकल थेरेपी होती है और इसके अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड किए जाते हैं, इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगाए जाते हैं बाई टेम्पोरल रीजन और यूनि टेम्पोरल रीजन, यानी एक टेम्पोरल के एक साइड में और टेम्पोरल के दोनों साइड में इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं, जो अपने पहले प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्ट सेकंड के अंदर इलेक्ट्रोकन्वोल्यू थेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से अपन शुरू करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है इलेक्ट्रोकन्वोल्यू थेरेपी की? तो इसके अंदर फर्स्ट है एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। जो एग्जैक्ट कॉज है, जो ईसीटी का जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक क्या है, अननोन है, यानी अभी तक अपने को एक्चुअल जो कॉज है वो पता नहीं है। सम हाइपोथेसिस इज हियर, यानी कुछ क्या हाइपोथेसिस है, यानी परिकल्पनाएं हैं कुछ बनाई हुई कि ईसीटी क्या होती है और कैसे ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कैसे ये वर्क करती है। तो फर्स्ट पे है कि सम हाइपोथेसिस है कि ऐसी परिकल्पना है, मैकेनिज्म मैकेनिकल थ्योरी, एक है मैकेनिकल थ्योरी और ब्रेन वेव थ्योरी, मैकेनिकल और ब्रेन वेव थ्योरी। अब ब्रेन वेव थ्योरी के अंदर क्या है, इसके अंदर ब्रेन के अंदर जो वेव चलती है, जो तरंग चलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, ईसीटी प्लेस्ड करते हैं, यानी कि बैलेंस बिटवीन द ब्रेन वेव, जो ब्रेन के अंदर जो वेव चलती है उसको क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर जो वेव चलती है उसको क्या करते हैं अपन, बैलेंस करते हैं, यानी कि ब्रेन के अंदर बैलेंस इसका क्या होता है, बिगड़ जाता है, बैलेंस क्या होता है इसका, नहीं रह पाता। तो ये सेकंड थ्योरी है ब्रेन वेव थ्योरी, यानी कि ऐसा माना गया कि ब्रेन वेव थ्योरी के अंदर किसकी तरंग होती है और तरंग को मैनेज करने के लिए अपन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर, नेक्स्ट देखना न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस थ्योरी, यानी कि इसका मैकेनिज्म एक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस थ्योरी के अंदर डोपामाइन। ये डोपामाइन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो न्यूरॉन को क्या करता है, इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है, इंपल्सेस को आगे पहुंचाता है। और नेक्स्ट है सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये क्या है, ये है न्यूरोट्रांसमीटर जो इंपल्सेस को क्या करते हैं, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करते हैं और ये किसके अंदर आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर, किसका, इलेक्ट्रोकन्वोल्यू थेरेपी का। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसका इंडिकेशन, यानी अपन इसको किस किस के अंदर इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी किसके अंदर अपन ये थेरेपी दे सकते हैं। तो सुसाइडल आइडिएशन, यानी सुसाइड के जो आइडियाज आते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को ज्यादा बार बार, यानी स्टीरियोटाइप मैनर, स्टीरियोटाइप क्या होता है, बार बार जो सुसाइड के आइडियाज आते हैं, जिसके दिमाग में बार बार सुसाइड के आइडियाज आते हैं वो सुसाइड कभी कर भी लेता है। तो सुसाइडल आइडिएशन, यानी जिस व्यक्ति के बार बार सुसाइड के आइडियाज आते हैं उसको अपन देते हैं क्या, ईसीटी। नेक्स्ट है मेजर डिप्रेशन, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा टाइम तक डिप्रेशन के अंदर चल रहा है, मेजर डिप्रेशन यानी काफी टाइम से डिप्रेशन के अंदर है, तो उसको भी अपन ईसीटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसको दे सकते हैं। उसके बाद में है सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, सिज़ोफ्रेनिया होता है एक ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस, यानी उसके अंदर मेंटल इलनेस का क्या होगा, ग्रुप्स होगा, ग्रुप्स ऑफ मेंटल इलनेस, वो क्या होता है, सिज़ोफ्रेनिया, और इसके अंदर क्या होता है, उसका बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है मेनिया, मेनिया के अंदर क्या होता है कि जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल एक्टिविटी जैसे टोन वॉल्यूम प्रेशर उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, जो पहले जो टोन वॉल्यूम प्रेशर होता है उसे क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, मेनिया वाला व्यक्ति ज्यादा एक्टिविटीज करता है और इसके अंदर ये इंडिकेशन है मेनिया के अंदर इसको दे सकते हैं अपन। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्या होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये ऑब्सेशन क्या होता है, ऑब्सेशन होता है माइंड में थिंकिंग आना कि अपने ऑब्सेशन थिंकिंग आना कि किसी काम को अपने को करना है, और कंपल्सन क्या होता है यानी एक्टिंग करना, एक्ट करना, जैसे कि अपन घर से चले गए और अपन लॉक लगा के गए, तो जैसे ही अपन लॉक लगा के चले गए फिर अपने माइंड में आता है कि अपन घर पे लॉक लगा के आए या नहीं आए, तो अपन क्या करते हैं बार बार अपने माइंड के अंदर वो आइडिया आते रहते, वही क्या है ऑब्सेशन।
ऑब्सेशन हुआ है जो आइडिया आते रहते हैं, और कंपल्सिव क्या होता है जो एक्टिंग करते हैं, यानी अपन आके वापस उसको चेक करते हैं, वो क्या हो गया कंपल्सन डिसऑर्डर सीवियर। यानी ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ज्यादा होता है तब अपन क्या दे सकते हैं ईसीटी दे सकते हैं। अब देखना सुसाइडल आइडिएशन के अंदर अपन ईसीटी दे सकते हैं, मेजर डिप्रेशन के अंदर दे सकते हैं, सिज़ोफ्रेनिया के अंदर दे सकते हैं, मैनिया के अंदर दे सकते हैं, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर अपन ईसीटी उसको दे सकते हैं। ये क्या था इसका इंडिकेशन, यानी किसके अंदर अपन ईसीटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ईसीटी अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट है अब पढ़ेंगे अपन इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किसके अंदर अपन नहीं दे सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, किसके अंदर अपन अप्लाई नहीं कर सकते। तो एब्सोल्यूटली और रिलेटिव रिलेवेंट, एब्सोल्यूटली का मींस क्या है कि बिल्कुल श्योर है कि इसमें नहीं देना है, कोई भी कंडीशन हो अपन इसके अंदर ईसीटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। किसके अंदर अपन एब्सोल्यूटली के अंदर बिल्कुल भी प्रोवाइड अपने को नहीं करवाना है, जबकि रेलेवेंट के अंदर अपन कोई कंडीशन होती है नहीं देना, वैसे पर कोई कंडीशन होती है तो अपन उसको ईसीटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो देखना पहले एब्सोल्यूटली के अंदर क्या अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो इंक्रीज आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर किसी पेशेंट के किसी क्लाइंट के बढ़ा हुआ है तो उसको अपन क्या नहीं करना है, उसको ईसीटी अपने को नहीं देना, नहीं प्रोवाइड करवाना क्या ईसीटी। तो इंक्रीज आईसीपी वाले को इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसका अगर बढ़ा हुआ है तो उसको अपन प्रोवाइड नहीं करवाते, अपने को नहीं देना, इसको नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पेसमेकर, अगर किसी के कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए, उसका कंडक्शन सही ढंग से चलाने के लिए उसके अंदर अपन पेसमेकर इम्प्लांट कर देते हैं। आर्टिफिशियल पेसमेकर अपन क्या करते हैं इम्प्लांट कर देते हैं, जो कि अपने को क्या करना है आर्टिफिशियल इम्प्लांट किया हुआ उसके अंदर पेसमेकर, तो उसके अंदर अपने को ईसीटी प्रोवाइड उसको बिल्कुल भी नहीं करवानी है। नेक्स्ट है मेटेलिक इम्प्लांट इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर अगर मेटेलिक इम्प्लांट किया हुआ है, बॉडी के अंदर कोई भी अगर उसकी सर्जरी हुई है या कोई भी बोन फ्रैक्चर हुई है तो मेटल अगर उसके अंदर इम्प्लांट किया हुआ है तो अपने को क्या करना है उसको ईसीटी प्रोवाइड नहीं करवानी, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा जो करंट अपन जनरेट करेंगे, करंट अपन ईसीटी देंगे, इलेक्ट्रोड उसके प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है फॉलो फ्लो हो सकती है और दिक्कत हो सकती है। तो इसके अंदर एब्सोल्यूटली के अंदर तो अपने को बिल्कुल भी ईसीटी नहीं प्रोवाइड करवानी है, बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर है दोनों भी, पर उसके अंदर कुछ कंडीशन है उसके अंदर अपन दे सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट को अपने को बचाना है तो अपन कुछ हद तक उसको ठीक है इसको अपन दे देते। तो नेक्स्ट देखना रेलिवेंट, रेलिवेंट के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर वैसे नहीं देते, पर ऐसी अगर कंडीशन है कि प्रेगनेंसी से ज्यादा उसको मेंटली अपने को सही रखना है और उसको ईसीटी अपने को ऐसी कंडीशन में देनी ही पड़ेगी तो अपन प्रेगनेंसी के अंदर भी अपन ईसीटी उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक डिस्क, कार्डियक डिजीज कौन सी MI मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है या कार्डियक डिजीज है इसके अंदर अपन उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है उसके फ्रैक्चर है, अगर कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है तो फ्रैक्चर के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं ईसीटी दे सकते हैं। और नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है यानी कि बोन का क्या होता है डीमिनरलाइजेशन, यानी उसमें से कैल्शियम निकल जाता है, वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस है तो भी उसको अपन दे सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं देनी है, पर उसको अगर अपने कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है कि ईसीटी देना जरूरी है तो अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोमा, अगर ग्लूकोमा है यानी उसके अंदर ग्लूकोमा है तो ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोमा के अंदर भी अपन उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रेटाइनल डिटैचमेंट, जैसे कि रेटाइनल डिटैचमेंट है यानी ये रेटाइना है तो रेटाइना की जो ये रेटाइना इससे डिटैचमेंट हो गया, जैसे रेटाइनल डिटैचमेंट है यानी कि रेटाइना अटैचमेंट नहीं है तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं ईसीटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि पहले अपने को पेशेंट को क्या करना है बचाना है उसको सही रखना है तो अपन ईसीटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स ऑफ ड्रग्स यूज ड्यूरिंग ईसीटी, यानी ईसीटी के दौरान अपन जो ड्रग्स यूज करते हैं कौन कौन सी ड्रग्स है जो ईसीटी देते देंगे तो अपन यूज करेंगे, तो पहले है एट्रोपिन सल्फेट, ये देखना एट्रोपिन सल्फेट, तो अपन एट्रोपिन सल्फेट उसको प्रोवाइड करवाना है, क्यों करवाना है और कब करवाना है ये इमीडिएटली बिफोर, यानी कि जब ईसीटी देंगे उससे पहले, यानी
30 मिनट बिफोर ईसीटी, ईसीटी देने से 30 मिनट पहले उसको एट्रोपिक सल्फेट अपन दे देते हैं। एट्रोपिक सल्फेट क्या करते हैं, दे देते हैं। और इसका एक्शन क्या होगा, एट्रोपिक सल्फेट देने से क्या होगा, इसका एक्शन देखना। एक्शन ये है कि मिनिमाइज सिक्रेशन एंड प्रिवेंट वेगल स्टिमुलेशन। इसमें क्या होगा, मिनिमाइज सिक्रेशन, जो सिक्रेशन हो रहा था म्यूकस का, सलाइवा का, जो सिक्रेशन हो रहा था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और प्रिवेंट वेगल स्टिमुलेशन, यानी वेगस जो नर्व होती है उसका भी स्टिमुलेशन नहीं होगा। तो मिनिमाइज सिक्रेशन, सिक्रेशन मिनिमाइज होगा, उसे होगा क्या, उसे यह होगा कि वो एस्प्रेट नहीं करेगा, जो म्यूकस है, जो फ्लूइड है, उसको क्या करेगा, एस्प्रेट नहीं करेगा अंदर की तरफ। तो ये अपन उसको क्या करते हैं, एट्रोपिक सल्फेट देते हैं मिनिमाइज करने के लिए सिक्रेशन, और उसके अंदर की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो फ्लूइड वगैरह म्यूकस होगा जो भी होगा अंदर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो अंदर चला गया तो चोकिंग हो जाएगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। क्योंकि ईसीटी देंगे जब म्यूकस का सिक्रेशन वगैरह होगा तो वो क्या होगा, एस्प्रेट कर जाएगा। और वेगल स्टिमुलेशन, प्रिवेंट वेगल स्टिमुलेशन, यानी जो वेगस जो नर्व है वो स्टिमुलेट हो रही थी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको उससे बचाने के लिए स्टिमुलेशन होने से क्या होगा, कम हो जाएगा। और किसके कारण कम होगा, ये एट्रोपिन, अपन एट्रोपिन सल्फेट ये मेडिकेशन है, ये अपन क्या करेंगे, ड्रग्स है, ये क्या करेंगे, उसको अप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा, वेगल स्टिमुलेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग्स है सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन है, तो सक्सिनाइल कोलिन का देखो, देखना एक्शन क्या है, सक्सिनाइल कोलिन का एक्शन है मसल रिलैक्सेंट, यानी जो मसल्स, जितनी भी जो बॉडी की मसल्स होगी वो क्या होगी, रिलैक्स कर देगी। और रिलैक्स करने से क्या होगा, रिलैक्स करने से ये होगा कि अपन ईसीटी उसको प्रोवाइड कराएंगे तो उसके अंदर कन्वर्जन और सीजर क्या होगा, यानी डेवलप होगा, उसके अंदर कन्वर्जन और सीजर आएगा, तो उससे बचने के लिए मसल्स रिलैक्सेंट अपन उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। और जैसे ही मसल्स रिलैक्सेंट प्रोवाइड कराएंगे तो उसके अंदर कन्वर्जन और सीजर आएगा, तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होंगे और जोक जा लोक नहीं होगी। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है सोडियम पेंटोथल और मेथोहेक्सिटल सोडियम, ये मेडिकेशन है, ये ड्रग्स है, ये अपन उसको देते हैं। ये इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है सेडेटिव, ये सेडेटिव का काम करती है, कौन करती है, सोडियम पेंटोथल और मेथोहेक्सिटल, ये करती है। ड्रग्स ऑफ चॉइस भी है किसकी, एनेस्थेसिया, यानी एनेस्थेसिया दिया जाता है तो ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी है, सोडियम पेंटोथल, तो ये उसको